लोग 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। हमारी सोसाइटी में ना रोड है, ना नाला नाली है अब पानी निकास के लिए, ना पानी की पाइपलाइन बिछी हुई बिसलपुर की। पास हमारी सोसाइटी को नगर निगम में सम्मिलित करने के लिए, हमारी सोसाइटी को बसे में 40 साल हो गए और हम लोग 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। हमारी सोसाइटी में ना रोड है, ना नाला नाली है अब पानी निकास के लिए, ना पानी की पाइपलाइन बिछी हुई बिसलपुर की, ओके, ना स्ट्रीट लाइट लगे हुए, 120 पोल है टोटल, स्ट्रीट 120 पोल है, किसी में भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, कचरा फेंकने के लिए कचरा पात्र नहीं है, पूरी कॉलोनी डंपिंग यार्ड बन चुकी है, सब कचरा फेंकने कचरा पात्र नहीं है, तो हम लोग कहाँ फेंके, तो आसपास के लोग भी वहाँ पे आके फेंक देते हैं, ओके। हाँ, पट्टे 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 मिले, हमारी सोसाइटी है वो एजुकेशन हब है, वहाँ पे तीन स्कूल है, जिसमें एक सरकारी स्कूल है, दो प्राइवेट है, और आगे तो उसके बावजूद भी मतलब कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, ओके। तो अभी हम चाहते हैं कि अभी बहुत अच्छी मतलब कलेक्टर है, कहते हैं मतलब स्कूल दे रही है, आपने जो देखा भी कई सालों से काम रुके थे ब्रिज के सुभाष नगर पे, वो भी चालू हो गया है, तो हम चाहते हैं कि जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित भी यहाँ पे मतलब कितना हमारी तरफ फोकस करें। संभागीय आयुक्त सर को हमने ज्ञापन दिया अभी जी, हम एकता नगर ब्यावर रोड पे एफसीआर गोडाउन के जस्ट पीछे वाली कॉलोनी से आए हुए हैं, जो कि शहर से बिल्कुल जुड़ी हुई है, यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही है। हमारी कॉलोनी में ना तो सड़क है प्रॉपर, टूटी फूटी है, हम कोशिश करके प्राइवेटली उसको बनवाते भी हैं, लेकिन बारिश से भी टूट जाती है, पानी का कोई निकास नहीं है, अभी बरसात आएगी अगले महीने, हमारे घुटने घुटने से ज्यादा पानी रहता है, हमें रोडों पे तो अपनी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती हैं, तब कहीं यहाँ जाके हम घर से बाहर निकल पाते हैं, ना वहाँ पे कचरे पात डस्टबिन वगैरह है, तो जगह जगह कचरे पटक पटक पड़ा हुआ है, उससे मच्छर वगैरह सब हर बार देखना, सबसे ज्यादा बीमार गाँव के लोग इसीलिए तो होते हैं, कहते हैं कि गाँव के ना तो हम गाँव के ना शहर के, हम बीच के हो गए हैं, पंचायत कहती है कि ना आप हमारे साथ नहीं आते, आप तो शहर से जुड़े हुए, हम आपके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, वो साफ मना कर देती है पंचायत, शहर में आते हैं नगर निगम वालों से कहते हैं, नगर निगम वाले कहते हैं कि आप तो पंचायत से जुड़े हुए हो, हम इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको कोई विकास नहीं कर सकते, जाए तो कहाँ जाए, इसलिए हम 3,000 समथिंग 3 से 3,500 के समथिंग आबादी है हमारी कॉलोनी की, पूरी कॉलोनी में आप चाहे गली में चले जाओ, पानी की समस्या है, पानी का कोई टाइमिंग नहीं है, कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं है।